हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है हाथ काटने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हाथ काटने वाली चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो लोगों के हाथ काट कर उनका इस्तेमाल अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए करती थी। चारों तरफ उस चुड़ैल की दहशत थी, इस वजह से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के पास ही एक सुंदर राज्य था। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार करने जाती है। राजकुमारी जी, आप हमें इस जंगल में लेकर क्यों आई हैं? मैंने सुना है इस जंगल में लोगों के हाथ काटने वाली एक चुड़ैल रहती है। अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम सभी को मार देगी और हमारे हाथ काट लेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं रहती। ये सब झूठी अफवाहें हैं। तुम बेकार में डरती हो, हमें कुछ नहीं होगा। तभी राजकुमारी को एक खरगोश दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ झाड़ियों के पीछे खरगोश है, चलो उसे अपनी तीर का निशाना बनाते हैं। लेकिन तभी वो खरगोश वहाँ से भाग निकलता है। फिर राजकुमारी, उसकी सहेलियां खरगोश का पीछा करते हुए जंगल में काफी आगे निकल जाती हैं। इस तरह देखते ही देखते वो सभी चुड़ैल के घर के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल के घर के बाहर रस्सियों में ढेर सारे इंसानों के कटे हुए हाथ लटक रहे थे। ये देख राजकुमारी और उसकी सहेलियों के हाथ पर कांपने लगते हैं। इस कटे हुए हाथों को देखकर लगता है ये उसी हाथ काटने वाली चुड़ैल का घर है। देखिए राजकुमारी जी, मैंने आपसे कहा था कि इस जंगल में लोगों के हाथ काटने वाली चुड़ैल रहती है, लेकिन आपने मेरा यकीन नहीं किया। हाँ पिंकी, तुम ठीक कहती हो। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलो हम इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर राजकुमारी, उसकी सहेलियां वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो सभी एक बड़े जाल में फंस जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हम अचानक इस जाल में कैसे फंस गए? अरे वाह, आज मेरी जाल में राजकुमारी और उसकी सहेलियां फंसी है। आज इनके हाथ काटकर सच में मुझे बहुत मजा आएगा। ठहर जाओ, मैं अभी अपनी तलवार को धार लगा कर लाती हूँ। उसके बाद एक एक करके मैं सभी के हाथ काट लूंगी। इतना कह कर चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल के डर से राजकुमारी और उसकी सहेलियां जोर जोर से रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहां राजकुमारी की माँ आ जाती हैं और फौरन अपनी तलवार से उस जाल को काट कर उन सभी को आजाद कर देती हैं। अरे माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी थी कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार करने निकली हो। मैं जानती थी कि यहाँ हाथ काटने वाली चुड़ैल रहती है, इसीलिए तुम्हारी खोज में मैं इस जंगल में आ गई। इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वो चुड़ैल अपनी तलवार लेकर वहाँ आ जाती है। अरे ये सब मेरे जाल से कैसे आजाद हो गए? देख चुड़ैल, तू हमें यहाँ से जाने दे, वरना ठीक नहीं होगा। तू मेरे बारे में नहीं जानती, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अरे बेवकूफ रानी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस जंगल से बिना हाथ कटवाए कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तभी राजकुमारी की माँ अपने थैले से एक थाली बाहर निकाल लेती है। चलो जादुई थाली, इस चुड़ैल के ऊपर पत्थरों की बारिश करके इसका सर्वनाश कर दो। रानी के इतना कहते ही वहाँ बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल का घर टूटकर तहस नहस हो जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर चुड़ैल के ऊपर गिरता है। चुड़ैल उसके नीचे दबकर मर जाती है। इस तरह उस दुष्ट चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। उसके बाद राजकुमारी की माँ राजकुमारी उसकी सहेलियों को लेकर महल वापस चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस जंगल से चुड़ैल की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, हाथ काटने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कभी किसी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें।
और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।